हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के स्टूडियो में आपको बताने वाला हूँ घर के अंदर इलेक्ट्रिक बोर्ड में अर्थिंग क्यों होना ज़रूरी है। वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं और बार बार फ़ोन आते हैं कि भाई मेरे कूलर में अर्थिंग आ रहा है, फ्रिज में अर्थिंग आ रहा है, वॉशिंग मशीन में अर्थिंग आ रहा है, गीज़र में अर्थिंग आ रहा है, प्रेस में अर्थिंग आ रहा है, पानी की मोटर में अर्थिंग आ रहा है। तो ये अर्थिंग क्यों होना ज़रूरी है, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले समझना यह है कि अर्थिंग किस चीज़ को होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी 3 पिन का यूज़ होता है उसे अर्थिंग होना ज़रूरी है, ग्राउंड होना ज़रूरी है। अब चेक कैसे करना है, अब ये देखिए, मैंने चेक कर लिया एक तरफ फेज और एक तरफ न्यूट्रल। होल्डर और वायर लेना है आपको और फेज और न्यूट्रल में वायर दोनों लगाना है। ये देखिए ऑन हो गया, ये न्यूट्रल और फेज है, इसमें अर्थिंग नहीं है। तो ये हम ऊपर वाले लगाएंगे, ऊपर वाले पॉइंट में। ये देखो लाइट चालू नहीं होगा, इसमें अर्थिंग नहीं है, ठीक है। ये देखो इसमें सिर्फ न्यूट्रल ही है, अर्थिंग नहीं है। आप भी घर पे चेक कर सकते हो, मैं आपको दूसरे प्लग में भी लगा कर बताऊँगा, इसमें भी आपको चेक करके बताऊँगा। घर पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके प्लग में अर्थिंग है या नहीं है। सिंपल एडिया बता रहा हूँ मैं आपको, ये फेज और न्यूट्रल में लगाया मैंने। ऊपर वाला जो पॉइंट है प्लग का 5 पॉइंट, उसमें अर्थिंग रहता है। ये देखो इसमें अर्थिंग है, ये देखो ये ऑन हो गया। जिसमें अर्थिंग है उसको कोई दिक्कत नहीं। ये न्यूट्रल में लगाया और ब्लू वायर निकाल के ऊपर वाले पॉइंट में लगाऊंगा न्यूट्रल में। ये देखो इसे ये हो गया एकदम अर्थिंग पावरफुल। अगर आपके घर में भी ऐसा है तो आप सेफ्टी हो, और अर्थिंग होना बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।